देन है गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको सिंपली बताने वाले हैं, ठीक है, कि हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, जो आपका लेवल होता है कॉन्सेंट्रेशन का, उसे इंक्रीज करें। दिमाग में जो गंदे चीज़ के थॉट्स आते हैं उसे कैसे दूर करें, नेगेटिविटी को। तो ऐसे सिर्फ मैं एक ही चीज़ बताऊँगा जिससे जो है आपकी सभी चीज़ें जो दूर हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका दिमाग साफ होने लगेगा, ठीक है, शार्प मतलब जानते हो ना, और तेज़ भी होने लगेगा, और निगेटिविटी जो है आपकी दूर होने लगेगी, ठीक है, और आपको जो चीज़ों की समझने का जो लेवल रहेगा, कैपेसिटी रहेगा, उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। तो चलिए हम सिंपली कर लेते हैं, एक पैर ऐसे, फिर एक पैर ऐसे और ऐसे, एब्डोमेन को ऐसे रखें, ठीक है, मतलब अपने शोल्डर को ऐसे सीधा, अब हाथ को ऐसे रख लीजिए, ठीक है, अब मेरे साथ 5 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, और साथ में आपको क्या बोलना है देखिए, सांस अंदर लीजिए नाक से, इसी तरह आपको कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। तो इसे आप करते हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो सुबह सुबह ऐसा करने से, मैं किसी भी तरह के मेडिसिन पर जो है बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ मेडिटेशन इसको मानता हूँ, अपने मेडिटेशन को मानता हूँ, अपने वर्कआउट को मानता हूँ, और जो है अपने सेहत पर ध्यान रखता हूँ, इसे मैं अपना खुद मेडिटेशन मानता हूँ, जिससे जो है मेरी सालों तक तबीयत जो है मेंटेन रहती है, ख़राब नहीं होती है, किसी भी प्रकार की मेरे को जो है दिक्कत या बीमारी नहीं होती है, ठीक है। ये मेरे एक मेडिटेशन और वर्कआउट का वो है, क्या बोलते हैं, नतीजा है, ठीक है। तो ऐसा आप भी करिए, ठीक है। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं, कम से कम आपको नियमित रूप से, ठीक है, कम से कम 20 बारी कर लेंगे, ठीक है।
तो इससे जो है आपका आवाज़ भी सुरीला होता है, आपके जो गले में खराश होती है वो दूर होती है, सर्दी खांसी जो रहती है आपके सांस अंदर लेने और बाहर लेने की प्रणाली से भी आपकी क्लियर हो जाते हैं। तो अभी के बज रहे हैं सुबह की, ठीक है, सुबह के बज रहे हैं 6:30 या 6:40 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं मस्त धूप के सामने आ गया हूँ, एकदम मस्त वातावरण है, मेरे आसपास पेड़ है, ठीक। इस ऐसे जगह मैं करूँ तो मेरे को जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप करते हैं रूम के अंदर, करते हैं रूम के अंदर जो है आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो आपको बाहर नेचर दे पाएगा। तो कृपया करके आप जो है हमेशा बाहर नेचर में करिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी ये इसी पर बेस्ड थी, ठीक है। और इसके बाद जो है आप नेक्स्ट वाला कर सकते हैं, ऐसा इसके जगह ऐसा भी कर सकते हैं, बुद्धा वाला ऐसा करके। इसमें आपको क्या करना है देखिए मैं बता देता हूँ, जस्ट 20 सेकेंड या 30 सेकेंड ऐसे करिएगा, तीन सेकेंड ऊपर रुक जाना है सांस लेने के बाद, अब 3 सेकेंड ऐसे रुक जाना, ऐसे ही आपको करना है। इससे जो है आपको क्या होगा पता है, आप जो अगर रनिंग करते हैं, फिजिकल करते हैं, या जो है जैसे आर्मी बेस्ड कुछ कुछ जो है होते हैं उनके पड़ाव होते हैं, जैसे कि रनिंग में किसी किसी की सांस जो है बहुत ज़्यादा फूल जाती है, तो सांस फूलने का कारण यही होता है आपको जो है मेडिटेशन का मतलब किए नहीं रहते हो। अगर मेडिटेशन करते हो ऐसे वाले और 3 सेकेंड रुक गए, तो इससे जो है आपका कैपेसिटी बढ़ने लगता है, और ऐसा आप करेंगे तो आपका दौड़ने में जो है सांस नहीं फूलेगी। ये सांस का एक एक्सरसाइज है, सांस ना फूले उसका। और जो होता है जैसे पार्क में डूबो उन लोगों को बताया जाता है, ठीक है, पानी में डूबा कर उन लोगों को जो मेंटेलिटी चेक किया जाता है, ठीक है, या वो कितने देर तक मतलब सहन कर सकते हैं टॉर्चर को, इस बेस पर उन्हें पानी में डुबाया जाता है और ऊपर रुकने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो है हेल्प होगा, 3 सेकेंड रुकते हैं, फिर 3 सेकेंड रुकते हैं, फिर 3 सेकेंड रुकते हैं, फिर 3 सेकेंड रुकते हैं, इससे आपका कैपेसिटी जो लेवल है इंक्रीज हो जाएगा। तो कृपया करके ऐसा जो है मेरे जो भी आपको बताया है सब फॉलो कीजिए। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में।